हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर को हिंदी में पढ़ेंगे। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर का हिंदी है पदार्थ की अनिवार्यता का नियम। कहता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप पदार्थों का कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, और उसका डिटेल्स मैं आपको आज बताता हूँ। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर को हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। जैसे देखिए, जैसे ए और बी है, ठीक, इसको रिएक्शन जब हम कराएंगे तो सी प्लस टी बन जाएगा, ठीक है। तो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर कहता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप पदार्थों का कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। मीन्स इसका जितना द्रव्यमान रहेगा उतना ही इसका रहेगा रिएक्शन के बाद भी। जैसे इसका द्रव्यमान मान सपोज 100 है, तो इसका भी 100 होगा। ओके, इसको एक रिएक्शन से हम लोग समझते हैं। जैसे मीथेन है CH4, और ये क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन करेगा तो आपका मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा और प्लस HCl। तो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर कहता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप पदार्थों का कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। तो इसका हम लोग द्रव्यमान संख्या देख लेते हैं कि मास नंबर इसका क्या है। तो कार्बन का आपका द्रव्यमान संख्या 12 होता है, हाइड्रोजन यहाँ 4 है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या 1 होता है, तो 1 × 4 कर दीजिए इसको। प्लस क्लोरीन का द्रव्यमान संख्या 35 होता है, यहाँ पर 2 क्लोरीन है तो 35 2 × 35 हो जाएगा। रिएक्शन कराए, फिर नेक्स्ट कार्बन का मेरा द्रव्यमान संख्या 12 प्लस हाइड्रोजन 3 है तो 1 × 3, क्लोरीन 1 है तो 35 प्लस हाइड्रोजन 1 है और क्लोरीन 35। रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप पदार्थों का कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। इसको कैलकुलेशन करते हैं हम, 12 प्लस 4 प्लस 17, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 86। इधर देखते हैं कि 12 प्लस 3 प्लस 35 प्लस 1 प्लस 35, इसको भी जोड़ेंगे तो 86, ठीक है। तो यहाँ जितना रिएक्शन से पहले था द्रव्यमान संख्या उतना ही रिएक्शन के बाद आएगा। इसका मतलब ये जो एग्जांपल है सही है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप पदार्थों का कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। मीथेन और क्लोरीन से रिएक्शन मैंने जब कराया तो मिथाइल क्लोराइड बन गया प्लस HCl बन गया। कार्बन का द्रव्यमान संख्या 12 होता है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या 1 होता है, 4 हाइड्रोजन है तो 1 × 4 कर दिए। फिर आपका क्लोरीन है, यहाँ 2 है, क्लोरीन 2 है तो 2 × 35। फिर कार्बन 1 है 12, हाइड्रोजन 3 है तो 1 × 3 प्लस क्लोरीन 1 है 35, हाइड्रोजन 1 क्लोरीन 1 35, इसको जोड़े 36। तो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।